म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धानी अपनी माँ दुलारी के साथ संगमपुर गांव की रहने वाली थी। दोनों माँ बेटी मिलकर मिट्टी के चूल्हे बनाने का काम किया करती थी और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उनसे अपने घर का गुजारा चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दोनों माँ बेटी अपने घर के आंगन में बैठकर चूल्हे बना रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कांता वहाँ आकर कहती है, क्या बात है दुलारी बहन, आजकल तुम कहीं दिखाई नहीं देती हो, कहाँ रहती हो? अपने इस गरीब खाने को छोड़कर कहाँ जाऊंगी कांता बहन, तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए घर ही रहती हूँ। जब आराम करने की उम्र में काम करोगी तो ऐसा ही होगा ना, कितनी बार कहा है तुमसे इतनी मेहनत मत किया करो। काकी अब तुम ही समझाओ माँ को, मैंने तो कितनी बार कहा है माँ से कि वो काम ना किया करे, मैं सब कुछ अकेले ही कर लूँगी, लेकिन माँ को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। नहीं बेटी, मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू अपना सारा काम अकेले संभाल सकती है, लेकिन बेटी हमारे काम में कितनी मेहनत है और इतनी मेहनत तू अकेले करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ आप बहुत ज्यादा ही चिंता करती हो। वैसे बात तो सही कह रही हो दुलारी, मेहनत तो है तुम्हारे काम में, पहले चूल्हे को बनाओगी फिर उसे बेचने जाओगी। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी बेटी को कोई अच्छा घर बार मिल जाए और उसे इस गरीबी से राहत मिल जाए। ये बात तो तुमने मेरे मन की छीन ली, मुझे भी दिन रात इसी बात की चिंता खाए जा रही है। तो चिंता मत कर, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, और तेरी बेटी तो इतनी गुणवान है जो मिट्टी से चूल्हों के साथ साथ मिट्टी की मूर्ति और अच्छे अच्छे बर्तन भी बना लेती है। ये तो तुमने सही कहा, लेकिन बात करने में तुम ये भूल गई कि क्यों आई थी, कोई काम था क्या? हाँ दुलारी, वो मैं चूल्हा खरीदने आई थी, मेरे घर की मिट्टी अच्छी नहीं है इसलिए आए दिन मेरे घर का चूल्हा टूट जाता है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे यहाँ का चूल्हा खरीद लूँ, क्योंकि वो देखने में भी सुंदर लगते हैं रंग बिरंगे। कांता की बात सुनकर दुलारी हंसते हुए उससे पैसे लिए बिना एक चूल्हा उठाकर चल देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है और अपने घर लौट जाती है। जिसके बाद धानी अपनी माँ दुलारी से कहती है, माँ आपने काकी को बिना पैसे लिए ही चूल्हा क्यों दे दिया, हमारी बोनी का समय था। जानती हूँ बेटी, लेकिन पैसा ही हमेशा सब कुछ नहीं होता, इंसान का स्वभाव भी होता है, और वो झूठ बोल रही थी कि उसका चूल्हा टूट गया है, क्योंकि जब से उसकी बहू आई है तब से उसके यहाँ चूल्हे पर खाना ही नहीं बनता, सिर्फ पैसे देकर हमारी मदद करने आई थी वो। अच्छा, तभी आपने उनसे पैसे नहीं लिए? हाँ, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत से जो मिलता है मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है माँ, अब आप आराम करो, मैं अपने चूल्हों को लेकर बाजार जाती हूँ, समय हो गया है, शाम को मिलती हूँ आपको। लेकिन तू अकेले कैसे ले जाएगी बेटी? माँ आप चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। धानी इतना कहकर अपने कुछ चूल्हों को लेकर बाजार में बेचने निकलती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ दुलारी अपनी बेटी के लिए अच्छे घर का रिश्ता तलाश कर एक राजीव नाम के लड़के से उसकी शादी करवाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, तभी एक दिन सुबह के समय वो गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसकी नजर गार्डन में मिट्टी से भरे बोरे पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से कहती है, कितनी अच्छी मिट्टी है ये, इसके चूल्हे कितने अच्छे बनेंगे, वैसे भी यहाँ पड़े पड़े ये मिट्टी खराब ही हो रही है, क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लूँ मैं, वैसे भी अभी मेरे चूल्हा चढ़ाई की रस्म भी नहीं हुई है, जिस दिन चूल्हा चढ़ाई की रस्म होगी उसी दिन मैं अपने हाथों से बनाए इस चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, सबको अच्छा लगेगा। धानी इतना कहकर उस मिट्टी से अपने चूल्हे चढ़ाई की रस्म के लिए चूल्हा बनाना शुरू करती है, जिसे बनाने के बाद बची हुई मिट्टी से वो भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाती है। कुछ समय बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, तभी उसकी सास जानकी और ननद रुचि वहाँ आते हैं और कहते हैं, बहू तुझे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना, तू भी सोच रही होगी कहाँ तुझे हमने अपने घर में बंद कर रखा है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। भाभी आपके कपड़ों में मिट्टी कहाँ से लगी हुई है, जैसे कहीं मिट्टी में खेल कर आ रही हो। नहीं रुचि, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये मिट्टी गार्डन में लगी होगी, मैं पौधों को पानी देने गई थी और। रहने दे बहू, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी तेरा ही घर है, तू जो चाहे वो कर सकती है, मैं बस इतना कहने आई थी कि कल तेरे चूल्हा चढ़ाई की रस्म है,
तो समय से तैयार हो जाना। जी माँ जी। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी राजीव वहाँ आता है और सबको एक साथ कमरे में खड़ा देखकर कहता है, ये कौन सी मीटिंग हो रही है मेरे कमरे में आप लोगों की? कहीं आप लोग मेरी बीवी को परेशान तो नहीं कर रहे ना? रहने दो भाई, आपकी बीवी हमारी भी कुछ लगती है। रुचि सही कह रही है, मैं तो बस चूल्हे चढ़ाई की रस्म के लिए बताने आई थी बहू को। हाँ माँ समझ गया, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। कल तू भी ऑफिस मत जाना, घर में बहुत काम होगा। जी माँ जैसा आप कहें। ठीक है अब तुम लोग भी आराम कर लो, सुबह जल्दी उठना है। जानकी इतना कहकर अपनी बेटी रुचि के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सभी लोग जल्दी उठकर रस्मों की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जानकी की पड़ोसने भी बहू को देखने उनके घर आती है। तभी जानकी अपनी बेटी रुचि से सबके लिए चाय बनाने को कहती है, जिस पर रुचि किचन में जाकर जैसे ही गैस ऑन करती है तो गैस ना जलने पर चेक करने पर उसे पता चलता है कि गैस खत्म हो गई है, जिसे सोचकर वो बहुत परेशान होती है। तभी उसकी भाभी धानी वहाँ आकर कहती है, क्या बात है रुचि, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भाभी गैस खत्म हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है और अभी आपके चूल्हा चढ़ाने की भी रस्म है, आप कैसे बनाओगी खाना? कोई बात नहीं रुचि, तुम परेशान मत हो, गांव में कौन सा मैं गैस पर खाना बनाती थी, मैं चूल्हे पर बना लूंगी। भाभी लेकिन ये गांव नहीं शहर है और अभी यहाँ कहाँ से चूल्हा मिलेगा आपको, और आज तो हमारा सबके सामने मजाक बन ही जाएगा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे चूल्हा भी बनाने आता है और उस पर खाना भी बनाने आता है, तुम बस मेहमान को देखो, बाकी सब मैं बना कर लाती हूँ। धानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और छत पर जाकर अपनी चूल्हे पर चूल्हे चढ़ाई की रस्म करती है और सारा खाना बना लेती है, जैसे पूरी सब्जी खीर, और लाकर किचन में रख देती है, जिसके बाद वो तैयार होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी उसके सास जानकी वहाँ आती है और उसे लेकर बाहर आती है। रुचि से सब मेहमानों को खाना लगाने को कहती है, जिस पर वो डरते हुए किचन में जाती है और सारे खाने की चीजें बनी हुई देखकर बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, क्या बात है, भाभी ने तो इतनी जल्दी सब कुछ बना दिया, आज भाभी ने हमारे घर की इज्जत बचा ली। मेहमानों के जाने के बाद मैं माँ को भाभी के देसी चूल्हे के बारे में बताऊंगी, अभी तो पहले ये खाना लगा दूं बाहर। रुचि इतना कहकर सभी मेहमानों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और जैसे ही जानकी की सभी पड़ोसने खाना खाती है तो सभी खाने की बहुत तारीफ करती है और उन्हीं में से एक देविका नाम की पड़ोसन कहती है, सच में जानकी तेरी बहू के हाथ में जादू है, खाना सच में बहुत अच्छा बना है, ऐसा लग रहा है हम गांव के चूल्हे पर बना हुआ खाना खा रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही खुशबू और स्वाद भी, मजा आ गया सच में। अपनी भाभी की इतनी तारीफ सुनने के बाद रुचि धानी के अपने हाथों से बनाए हुए चूल्हे और उस पर बनाए हुए देसी खाने के बारे में सारी बात सबको बताती है, साथ ही उन सबको छत पर ले जाकर चूल्हा भी दिखाती है जो पड़ोसियों को बहुत पसंद आता है। तभी देविका कहती है, क्या बात है जानकी, क्या बहू लाई है जो देसी और विदेशी दोनों ही है, जिसे न सिर्फ चूल्हे पर खाना बनाना आता है बल्कि चूल्हे भी बनाने आते हैं, और वो भी इतने सुंदर और रंग बिरंगे, बड़ी ही गुणवान बहू है तेरी। जिसके बाद सभी लोग धानी को अपने घर के लिए वैसा ही चूल्हा बनाने को कहते हैं। ये सब सुनकर उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश होते हैं और उसका समर्थन करते हैं। इस तरह से धानी के हुनर को गांव के साथ साथ शहर में भी मान सम्मान मिलता है और वो शहर में भी घर से ही अपना चूल्हा बनाने का और बनाकर बेचने का काम शुरू करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।